इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से सीरीज जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने अचानक कर दिया बड़ा ऐलान। सुनकर पूरी टीम इंडिया रह गई हैरान और परेशान। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी, किस तरीके से सीरीज जीतने के बाद रोहित शर्मा ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे पूरी दुनिया रह गई है हैरान। सब कुछ बताने वाले हैं आज की वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत टीम इस समय इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है और इस टेस्ट सीरीज का अब खात्मा भी हो चुका है और इस सीरीज में दोस्तों भारत टीम ने 4-1 के बड़े अंतराल से जीत लिया है। अब भारत टीम इस सीरीज को 4-1 से अंतराल से जीत गई है, लेकिन जीत के बाद दोस्तों भारत कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे उनके फैन कतई सुनना नहीं चाहेंगे। दरअसल दोस्तों, आखिरी टेस्ट मुकाबला जो कि 7 मार्च से 11 मार्च के बीच धर्मशाला में खेला गया था, इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने 2 इनिंग को मिलाकर भी भारत के 477 रन नहीं चेज कर पाई और 1 इनिंग और 64 रनों से ये मुकाबला हार गई। इंग्लैंड टीम के मैच हारते ही दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से दोस्तों फैंस काफी ज्यादा खुश थे और जैसे जैसे फैंस खुश थे वैसे वैसे लोगों ने देखा कि धर्मशाला टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 64 रन की बड़ी जीत दर्ज कर ली है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही भारत टीम ने सीरीज को तो जीता पर दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। दरअसल दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ भारत टीम को पहले टेस्ट मुकाबले में 28 रनों से हार झेलना पड़ा था, लेकिन उसके बाद लगातार मैचेस जीतती आई टीम इंडिया और यहां पर दोस्तों आखिरी टेस्ट मुकाबले में भी भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। ऐसे में दोस्तों इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा से उनके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा गया, जिन पर उन्होंने ऐसा कहा जिनको सुनकर क्रिकेट फैन कभी सुनना नहीं चाहेंगे। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिस दिन सुबह उठकर मेरा मन मुझसे ये कहेगा कि क्रिकेट छोड़ देना चाहिए तो मैं क्रिकेट से दूर हो जाऊंगा। अगर मैं बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रहता हूं तो मैं फिर इस खेल को छोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों से मैंने अपने खेल में काफी ज्यादा सुधार किया है। और ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा ने यहाँ पर यह बयान दिया और इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर हिटमैन को लेकर हर तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। रोहित शर्मा ने दोस्तों आगे कहा कि आमतौर पर पहला टेस्ट मैच हम हारते हैं और फिर दूसरे तीसरे चौथे टेस्ट मैच में बढ़त हासिल करते हैं, इसलिए मैं निराश था क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ केवल 2 मैचों की सीरीज खेली। भारत टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने भी कहा कि रोहित शर्मा ने सीरीज में कमाल की कप्तानी की है। और ऐसे में दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को देखोगे तो उन्होंने सच में कमाल किया है, हर तरफ से उन्हें सिर्फ और सिर्फ तारीफें ही मिल रही है। और ऐसे में दोस्तों ये सब जब हो रहा था तभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी यूं कहें कि बातचीत करने के लिए जियो सिनेमा ने एक प्रोग्राम रखा था। उस प्रोग्राम में आपको 3 लोग नजर आएंगे, एक तरफ तो जहीर खान थे जो बीच में खड़े थे, दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ और एक तरफ रोहित शर्मा है। लेकिन इस बयानबाजी के बीच इस बयान के दौरान जब रोहित शर्मा से फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर हर एक क्रिकेट फैन पूरी तरीके से निराश हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।